बिस्लेरी नाम तो किसी अंग्रेज जैसा लगता है, पर आज इंडिया में इतना यूज किया जाता है कि ये विदेशी नाम अब देसी हो चुका है। बचपन में पापा अक्सर कहते थे कि पानी खरीद कर क्यों पीना है, घर से पानी लेकर चला करो, और तब हम वाटर कूलर लेकर चलते थे। जब भारत आजाद हुआ तब देश में बहुत गरीबी थी और उस दौर में पानी खरीद के पीने का ख्याल किसी के दिमाग में भी नहीं आता था। उस दौर में तो लोग नल हो या नदी, कुआं हो या किनारा, कहीं से भी पानी पी लेते थे। पर आज उन्हें पानी खरीद कर पीने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे में बिस्लेरी ने कैसे लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया? बिस्लेरी की क्या बिजनेस स्ट्रेटजी थी जिससे उसने लोगों को पानी खरीद कर पीने की आदत लगवाई, और कैसे उसने इंडिया में मिनरल वाटर के 60% मार्केट को कैप्चर किया, और कैसे बनी बिस्लेरी आज 7000 करोड़ की कंपनी जो महीने के 15 करोड़ बॉटल्स बेचती है। बिस्लेरी के कहानी की शुरुआत इटली में सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी के साथ होती है। सिग्नोर एक केमिस्ट और बिजनेसमैन थे। सिग्नोर के अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद सिग्नोर बिस्लेरी की कंपनी रॉसी को हैंडओवर कर दी गई, जो सिग्नोर के फैमिली डॉक्टर थे। रॉसी ने खुसरो संतूक से पार्टनरशिप करी, जो एक इंडियन थे और बिस्लेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर के बेटे थे। भारत को हाल ही में आजादी मिली थी और उस टाइम देश में नए बिजनेस आइडियाज की काफी डिमांड थी। ऐसे में संतूक ने इंडिया में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की अपॉर्चुनिटी को देखा और बिस्लेरी को इंडिया में एस्टैब्लिश किया। उस दौर में तो लोग चुल्लू में ही पानी पी लेते थे और बॉटल से पानी पीना एक लग्जरी समझा जाता था। इसीलिए लोगों को संतूक के इस बिजनेस आइडिया पे भरोसा नहीं था और उनके आइडिया को पागलपन समझने लगे। पर इसके बावजूद उन्होंने बिस्लेरी को इंडिया में एस्टैब्लिश किया और 1965 में मुंबई के ठाणे में बिस्लेरी का पहला प्लांट सेटअप किया। मुंबई में उस टाइम पीने के पानी की क्वालिटी बहुत खराब थी। मिडिल और लोअर क्लास तो फिर भी जैसे तैसे काम चला लेता, पर अपर क्लास को खासकर दिक्कत आती थी, और इसलिए शुरुआत में बिस्लेरी के प्रोडक्ट्स बस 5-स्टार होटल्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में मिलते थे। पर डॉक्टर रॉसी और संतूक जानते थे कि वो बस अमीरों को पानी बेचकर बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे पानी को आम जनता तक पहुंचाना शुरू किया। पर आम जनता पानी खरीद कर पीने से कतराती थी और कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। तब कंपनी के ओनर्स ने कंपनी को बेचने का फैसला किया और फिर 1969 में पार्ले ग्रुप के रमेश चौहान ने बिस्लेरी को बस 4 लाख में खरीदा। शुरुआत में रमेश चौहान बिस्लेरी का नाम यूज करके सोडा बेचना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने मार्केट में कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उतारे। तब 1970s का लाइसेंस राज का दौर था, जहां कंपनीज को सरकार के बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होते थे। इन मुश्किल परिस्थितियों में कंपनीज और खासकर विदेशी कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल हो रहा था, और ऐसे में काफी कंपनीज ने इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लिया। 1977 में कोका कोला ने भी इंडियन मार्केट को छोड़ दिया। रमेश चौहान ने इस मौके का फायदा उठाया और बिस्लेरी ब्रांड के अंदर ही लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और माजा जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ये वो दौर था जब सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा ग्लास के बॉटल में बेची जाती थी। पर फिर बिस्लेरी ने 1980s में बड़ा जैकपॉट हिट किया जब उसने ग्लास के बॉटल्स की जगह पीवीसी और पीईटी बॉटल्स में पैकेजिंग शुरू की। पीईटी बॉटल ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे साफ पानी अच्छे से दिखता है। इससे बिस्लेरी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुई। पीईटी बॉटल्स ग्लास की बॉटल्स की तुलना में हल्की होती है, जिससे बिस्लेरी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो गया। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, जिसकी वजह से बाहर की कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट खुल गया। फॉरेन कंपनीज जैसे कि कोका कोला फिर से इंडिया वापस आने लगे। बिस्लेरी के सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्ट्स कुछ खास नहीं चल रहे थे, इसीलिए रमेश चौहान ने 1993 में बिस्लेरी के सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्ट्स 400 करोड़ रुपए में कोका कोला को बेच दिया और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे कॉन्सेंट्रेट करने का सोचा।
इस डील में एक नॉन कम्पीट क्लॉज भी शामिल था, जिसके तहत बिस्लरी 2008 तक सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस नहीं कर सकती थी। बट सवाल ये उठता है कि बिस्लरी ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में 60% के डोमिनेंस को कैसे मेंटेन करके रखा। उस टाइम तक बिस्लरी बस 20 लीटर के कैन में ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस में मिलती थी। 1995 में बिस्लरी ने इजी टू कैरी 1 लीटर और 500 ml के बॉटल्स को मार्केट में लॉन्च किया, ताकि प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस तरह धीरे धीरे बिस्लरी भरोसे का दूसरा नाम बन गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनीज ने मार्केटिंग के 4 P's का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और इन स्ट्रेटजीज की वजह से बिस्लरी लाखों लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गई। पर बिस्लरी की कामयाबी सिर्फ एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने में नहीं थी, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन्स भी चलाए, जिसकी वजह से वो आम जनता के दिल में जगह बना पाई। बिस्लरी की कामयाबी यही नहीं रुकी, कंपनी ने खुद को विदेश में भी एक्सपैंड किया, एंड गेस व्हाट, उन्हें वहां भी कामयाबी मिली। आज बिस्लरी के दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा प्लांट्स हैं और महीने के 15 करोड़ पानी के बॉटल्स बनाती है। पानी के साथ साथ आज बिस्लरी सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बनाती है। पर कभी कभी कंपनी का बड़ा बनना उसी कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। बिस्लरी के साथ भी यही हुआ। मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स बिकने लगे जिनके नाम थे बेल्सरी, ब्रिस्ले, बिरसेली या फिर बिस्लेहरी। इन बॉटल्स के लोगो, लेबल्स और डिजाइन बिस्लरी जैसे ही थे। ये कॉपी प्रोडक्ट्स बिस्लरी के रेवेन्यू को अफेक्ट कर रहे थे, साथ ही साथ बिस्लरी की ब्रांड वैल्यू पर भी असर पड़ रहा था, क्योंकि इतने साल के मेहनत से बिस्लरी ने क्वालिटी और हाइजीन की एक मिसाल कायम की थी। इन काउंटरफिट प्रोडक्ट्स को टैकल करना कंपनी के लिए एक इशू बन गया था, बट बिस्लरी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। बिस्लरी ने अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि हर पानी की बॉटल बिस्लरी नहीं होती। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लरी ना होवे। समझदार बिस्लरी पीते हैं। फेक प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज पे लीगल एक्शन लिए गए। कंपनी ने बॉटल्स और कैप्स में चेंजेस किए, जिससे ओरिजिनल को ड्यूप्लीकेट से डिफरेंशिएट करना इजी हुआ। बिस्लरी ने अपने सप्लाई चेन को भी मजबूत किया, ताकि लोकल फेक प्रोडक्ट्स को दुकानों से बाहर कर सके। इन सब कोशिशों से बिस्लरी ने कॉपी प्रोडक्ट्स के बड़े चैलेंज को सॉल्व किया, जिसकी वजह से आज भी वो इंडियन मार्केट में 60% शेयर कमांड करती है। लोग भी अब अवेयर हो गए हैं और नाम देखकर ही बॉटल उठाते हैं। रमेश चौहान ने काफी बाधाओं का डट कर सामना किया और बिस्लरी को इतनी ऊंचाई तक ले गए। पर रमेश चौहान अब 83 ईयर्स के हो चुके हैं, और ऐसे में उन्होंने 2022 में बिस्लरी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि कंपनी को संभालने के लिए कोई और तैयार नहीं था। ये डील 7,000 करोड़ की होने वाली थी, पर बाद बिस्लरी के वैल्यूएशन पर आकर अटक गई और डील कैंसिल हो गई। बिस्लरी की सफलता इस बात में थी कि उन्होंने कस्टमर्स के बदलते डिमांड्स को समझा और उसके अनुसार खुद को ढाला, और ऐसा करते वक्त उन्होंने कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक हम्बल बिगनिंग से लेकर इंडस्ट्री लीडर बनने तक बिस्लरी ने आज अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। बिस्लरी की जर्नी में बहुत चैलेंजेस आए, पर कंपनी ने उनको ओवरकम किया, जिसकी वजह से आज वो अपनी एक लेगेसी बनाने में कामयाब हुई है। और आज सही में कोई वन नेशन वन वाटर है तो वो बिस्लरी ही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड।